The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. If ECG is normal, can it still be a heart attack? Yes, it can. So सवाल ये है, अगर हमें हार्ट अटैक लग रहा है, हमें छाती में दर्द हो रहा है, हमें घबराहट हो रही है, हमें पाल्पिटेशन हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है और हमने जाके ईसीजी करा ली और डॉक्टर ने कहा कि ईसीजी तो नॉर्मल है, सो क्या हम 100% श्योर हैं कि वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता? नहीं, हम 100% श्योर नहीं है. ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है. इट्स जस्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्शन अगर सही मात्रा में हो पा रहा है तो वो तब भी दिखाएगा. दैट डज नॉट मीन कि हार्ट के अंदर अटैक नहीं चल रहा है, कोई भी डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है. ये बात याद रखिए, कुछ परसेंटेज, 5-10% ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिनमें ईसीजी परफेक्टली नॉर्मल है लेकिन हार्ट डैमेज हो रहा है अंदर ही अंदर. देर आर केसेस लाइक दैट. सो एक टिपिकल चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है, नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ चेस्ट पेन, टिपिकल और एटिपिकल. नाउ टिपिकल और एटिपिकल का मतलब मैंने पहले बताया हुआ, बट देन लेट्स रिवाइज. टिपिकल चेस्ट पेन जैसे हार्ट का पेन, कार्डियक पेन, वो होता है जो कि एक्सर्शन से बढ़ रहा है. दैट इज द टिपिकल पेन. नाउ टिपिकल क्यों बोलते, इट्स नॉट अबाउट कहाँ है पेन. छाती में बाएं तरफ दर्द है कि दाहिने तरफ दर्द है, कि गले में है, कि यहाँ ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से में है, कि बाएं हाथ में है, कि शोल्डर में है, कि बैक में है, ये नहीं फर्क पड़ता. छाती या छाती के आसपास कहीं भी पेन हो सकता है हार्ट अटैक में. जी हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि हार्ट के अगर बाएं तरफ ऐसे हार्ट होता है, जैसे सो बाएं तरफ हार्ट होता है, तो हार्ट के अगर निचले हिस्से में अटैक हो रहा है तो नीचे की तरफ दर्द हो सकता है, हार्ट के ऊपरे हिस्से में अटैक हो रहा है तो ऊपर दर्द हो सकता है, हार्ट के पीछे के हिस्से में तो पीछे थोड़ा दर्द हो सकता है, और अगर आगे की तरफ हो रहा है तो आगे हो सकता है. यानी डिपेंड्स अपॉन मैनी थिंग्स, मल्टीपल जगहों पर भी दर्द हो सकता है हार्ट अटैक में. लेकिन दर्द में ये बात याद रखिए, जब भी दिल की धड़कन बढ़ती है और अटैक चल रहा है तो दर्द या दिक्कत बढ़ेगी. राइट, ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन नहीं है जिसको अटैक हो रहा है और वो दौड़ रहा है और उसको दर्द नहीं बढ़ रहा. सो एक्सर्शन से बढ़ने वाली दिक्कत इज हार्ट, इज अ टिपिकल पेन. एक्सर्शन से बढ़ने वाला, एक्सर्शन यानी चलने फिरने दौड़ने भागने से नहीं अगर पेन को कोई फर्क पड़ रहा, दैट इज एन ए टिपिकल, नॉन टिपिक ए टिपिकल पेन. सो ए टिपिकल चेस्ट पेन मसल के वजह से हो सकता है, रिब केज के, बोन्स के, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के वजह से, लंग्स के वजह से, प्लूरा के वजह से, बहुत चीज़ों के वजह से हो सकता है, डर के वजह से भी होता है कई बार, स्ट्रेस के वजह से भी होता है कई बार. सो ए टिपिकल चेस्ट पेन में क्या आएगा, हाथ पैर हिलाने से दर्द बढ़ रहा है, ऐसा करो ना बहुत दर्द हो रहा है, ये हार्ट का नहीं हो सकता. लंबा सांस लेने से दर्द हो रहा है, वो भी हार्ट का नहीं हो सकता. ऐसे दबाने से दबाने से दर्द हो रहा है, वो भी हार्ट का नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन नॉट टच द हार्ट. रिब केज है पूरी जोरदार, जंगले के अंदर अंदर फंसा है, वहां हाथ नहीं पहुंचेगा. यहां दबाने से हो रहा है तो इट्स मस्कुलर, इट्स स्केलेटल, मस्कुलर स्केलेटल पेन. कुछ हिलाने से दर्द हो रहा है तो इट्स नॉट हार्ट पेन, इट्स मस्कुलर स्केलेटल पेन. सो ए टिपिकल पेन और टिपिकल पेन, ठीक है, ये होता है. और ईसीजी नॉर्मल रह सकता है दोनों ही केस में. अगर ईसीजी में गड़बड़ है तब तो हार्ट का है, वी आर क्लियर विद दैट, ठीक है, फिर तो भाई साहब भर्ती होना ही होना है. लेकिन अगर ईसीजी नॉर्मल भी है तब भी अगर टेस्ट की बात करें तो दो और टेस्ट इंपॉर्टेंट है. नंबर वन इज योर इकोकार्डियोग्राफी. इकोकार्डियोग्राफी इज हार्ट की सोनोग्राफी, जिसमें लिटरली हम हार्ट को देख सकते हैं पंप करते हुए. वी कैन सी द हार्ट शैडो, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे का शैडो दिखता है, बच्चों वाला अल्ट्रासाउंड पिक्चर में टीवी में देखा है, वैसे हमने अल्ट्रासाउंड करके हार्ट को देख सकते हैं पंप करते हुए. हम देख सकते हैं कि क्या हार्ट का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है. अगर एक हिस्सा कम काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, तो कम काम कर रहा है तो वहां अटैक चल रहा है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं, सॉरी. सो ईसीजी नॉर्मल होते हुए भी वहां ये प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकता है, कि हार्ट का एक हिस्सा छोटा किस्सा बड़ा हो सकता है, हार्ट का एक हिस्से में छेद हो सकता है, वाल्व्स में लीकेज हो सकता है, जो इको में दिखता है. तो ECG is important.
और टिपिकल पेन है, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इको इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर इज ऐसी बीमारियां जिनसे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं. हार्ट अटैक या हार्ट के अंदर ब्लॉकेज एक उम्र के बाद सबको होती है, तो 40, 45, 50 साल के ऊपर आपको रिस्क बढ़ जाता है. नंबर वन रिस्क फैक्टर इज एज. सेकंड रिस्क फैक्टर इन द वर्ल्ड इज स्मोकिंग. थर्ड इज डायबिटीज. डायबिटीज, स्मोकिंग, एज, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं. स्ट्रेस इज रिस्क फैक्टर. कोई भी किसी भी प्रकार का क्रोनिक बीमारी इज रिस्क फैक्टर. सीओपीडी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी एक या दो रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इकोकार्डियोग्राफी और थर्ड ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन कार्डियक ट्रोपोनिन मार्कर टेस्ट है. ये ब्लड मार्कर है जो ये बताता है कि आपके ब्लड के अंदर, आपके हार्ट के अंदर डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है. इफ किसी भी कारण से हार्ट में डैमेज हुआ हो तो ट्रोपोनिन बढ़ेगा. हार्ट अटैक हुआ है, ट्रोपोनिन बढ़ेगा. हार्ट में चोट लग गई है, गोली लग गई है, या मान लो गोली छोड़ो, वायरल इन्फेक्शन हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, ट्रोपोनिन बढ़ेगा. ठीक है, तो ट्रोपोनिन हार्ट के मसल्स को जब डैमेज होता है, उसके अंदर का एंजाइम खून में आ जाता है, उसको ब्लड में डिटेक्टेबल होने के लिए 2 घंटे मिनिमम लगते हैं. वो एकदम ऐसे निकल के ऐसे डिटेक्ट नहीं हो जाएगा, 2 घंटे लगते हैं ब्लड में डिटेक्ट होने के लिए. सो 2 घंटे के बाद अगर दर्द होने, दर्द को 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए हैं, तो ट्रोपोनिन इज वेरी गुड टेस्ट. कई बार ऐसा होता है कि साइलेंट अटैक होता है. डायबिटिक पेशेंट्स में नसें खराब होती हैं तो साइलेंट अटैक है, उन केस में हम 2 बार, बल्कि हर बार 2 बार टेस्ट करा जाता है ट्रोपोनिन का, एक पहले सेट, सेकेंड सेट. फर्स्ट सेट ऑफ ट्रोपोनिन जो तुरंत किया जाए, जैसे ही पेशेंट आया ट्रोपोनिन, क्योंकि पेशेंट को चाहे दर्द 15 मिनट से हो रहा हो, अटैक उसका कल से चल रहा हो सकता है. जी हाँ, पॉसिबल होता है. सो पहला सेट ट्रोपोनिन, सेकंड सेट ट्रोपोनिन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी तुरंत. नाउ जान से बड़ा नहीं है, जी हाँ टेस्ट में पैसे लगते हैं, बट जान से बढ़ के नहीं है, तो टेस्ट कराओ. हार्ट का डर है तो टेस्ट कराओ, ठीक है. और पुरानी हार्ट की बीमारी है तो कई बार ये चीजें हर बार होती हैं, हर बार करना पड़ता है. सो इकोकार्डियोग्राफी विल शो द कंप्लीट हार्ट फंक्शन. परफेक्टली दिखाता है कि हार्ट सही है, पंपिंग सही है, पंपिंग पावर क्या है, हार्ट के वैल्व्स कैसे हैं, मोटे पतले तो नहीं है, वैल्व्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट के साइज में कोई इशू तो नहीं है, वॉल मोशन प्रॉब्लम तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, छेद तो नहीं है. एवरीथिंग इज सीन बाय इकोकार्डियोग्राफी. ईसीजी में रिदम पता चलती है कि हार्ट में कोई बीट स्किप तो नहीं हो रही, एक अटैक तो नहीं चल रहा, अटैक हो तो नहीं चुका है, उसके साइंस आते हैं. पर वो 100% नहीं है कि नहीं आए तो नहीं हो सकता. आए तो है, आए तो पक्का है, ये याद रखिए, लेकिन नहीं आए तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो वी हैव टू डू सिंपल टेस्ट टू सेव योर सेल्फ. ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रोपोनिन एंड टिपिकल चेस्ट पेन, गेट एडमिटेड विथ रिस्क फैक्टर, गेट एडमिटेड. एडमिट हो जाओ अंडर ऑब्जर्वेशन. सीरियल ईसीजी होता है, आधे आधे घंटे में या एक एक घंटे में देखा जाता है कि ईसीजी बदल रहा है, ईसीजी में कोई गड़बड़ आ रही है, बढ़ रही है. अगर डायनामिक चेंजेस हैं, चेंजेस आए कम हो गए या चेंजेस आए बढ़ते गए, दैट मीन्स हार्ट की प्रॉब्लम है, सीरियल सीरियस प्रॉब्लम है. या फिर इको में चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ट्रोपोनिन पॉजिटिव, हार्ट की प्रॉब्लम है, यू विल नीड एन एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी इज द टेस्ट जिसमें हम हार्ट के आसपास की खून की नसें चेक करते हैं, कितना परसेंट कहाँ कौन सी नस में ब्लॉकेज है, अकॉर्डिंग टू दैट फिर ट्रीटमेंट होता है. अगर ईसीजी में ही अटैक आ गया है, एकदम खतरनाक चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी में अटैक है, इकोकार्डियोग्राफी में गड़बड़ है, देन वी टॉक अबाउट कि गोल्डन पीरियड है कि नहीं भाई, 2 घंटे से दर्द है पेशेंट को, 3 घंटे से दर्द है, 4 घंटे से दर्द है, जल्द से जल्द खून की नस को खोलना चाहिए, बंद है खून का नस, क्योंकि अटैक आ रहा है. अटैक का मतलब यही है, क्लॉट है वहां पर, प्लाक है वहां पर, प्लाक और क्लॉट, क्लॉट हटाना है. क्लॉट हटाने के लिए या तो क्लॉट घोलने का इंजेक्शन देना होगा तुरंत, जिसमें ब्लीडिंग का खतरा होता है. ऑब्वियसली हर खून पतला करने के इंजेक्शन में ब्लीडिंग का खतरा होता है, बट वो उठाना पड़ता है. दूसरा स्टंट डालना, स्टंट में भी ब्लीडिंग का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है, एक सुई भी लगती है तो भी इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, दर्द का खतरा होता है. दैट काइंड ऑफ अ रिस्क इज देयर इन हार्ट पेशेंट्स इन एनी काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम. सो एंजियोग्राफी करनी है कि नहीं करनी है, हार्ट की क्या अंदर बीमारी है, ये सब हमें इन चीज़ों से पता चलता है. सो इफ यू हैव एनी रिस्क फैक्टर, अपना ECG रेगुलर कराइए, साल में एक बार, 2 साल में एक बार. सो ट्रोपोनिन विल शो इफ हार्ट मसल इज डैमेज, इको विल शो द हार्ट फंक्शनिंग, ECG will show any rhythm problem or any current issue जो चल रहा है वो. ठीक है,
So these are the most important test of the heart which you should know. So thank you so much for watching. अगर कोई सवाल है तो जरूर लिखिए और जरूर इस वीडियो को शेयर करें और अपने रिस्क फैक्टर्स मैनेज करें. स्मोकिंग बंद करें, दारू मत पीजिए, अपना बीपी, शुगर, मोटापा कंट्रोल रखिए. ऑलराइट, थैंक यू.